Subscribe and click the bell icon for all the television updates. आप आगे आगे हैं, शिविका पीछे पीछे, अमूमन तौर पर उल्टा होता है लड़की आगे होती है। यहाँ सब उल्टा है, यहाँ लड़कों को मनाना पड़ रहा है, लड़के को मनाना पड़ रहा है। जी प्लीज, I've taken it as an offense. I've been a feminist. Why heroine? You be the hero, I'll be the hero, I'll play my role. Situation ही ऐसी create हो रही है जहाँ पे मुझे heroine बनना पड़ रहा है। No, it's not. You is not heroine. You are hero only, and I am heroine only. लेकिन क्या situation पैदा होंगे जिस वजह से आपको मनाना पड़ रहा है शिविका? पूछिए पूछिए, इन्हीं से पूछिए। Time पे कभी आती नहीं है। है ना, जब कुछ फंक्शन हो रहा होता है तो इनविटेशन मिलता है तो नहीं आती हैं। इन्वॉल्व ज़रूर हो जाती है कि हाँ, आई विल बी द पार्ट ऑफ इट, आई विल मेक समथिंग, मैं आती हूँ, विल बी टुगेदर। एट द एंड मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि ये इनका प्रॉब्लम ये है ना कि ये दे लुक फॉर अ स्मॉलर पिक्चर, मतलब जितना प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है उतना ही देखते हैं, अपनी मतलब की चीज़ें, उसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ये सोचते ही नहीं। यार एक बार बहाना चलेगा, दो बार, तीन बार, चौथी बार मैं नहीं सुनूंगा। तो इट इज सिचुएशन ना, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं। क्या कहां पर वेट हो रहा है आपका? घर पे, मेरे घर पे वेट हो रहा है, जहाँ पे इसे उस पूरे इवेंट का पार्ट होना था, बट ये आई नहीं, लेट हो गई, और लेट हो गई जो भी इसकी वजह है, बट ये पहली बार लेट नहीं हो रही। लेट नहीं हुई, मैं आई ही नहीं। हाँ तो देखिए, आई ही नहीं, ये तो और बुरा। तो पूछेगा ना इंसान कि क्यों नहीं आई, क्या प्रॉब्लम हुआ, मुझे घर वालों को मनाना था, मैं चोखा लेके निकली थी, फोन पे भी बात हुई थी कि मैं निकली हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी, लेकिन फिर रास्ते में मैं इन्हें देखता हूँ कि ये टाइम पास कर रही हैं, गन्ने का जूस पी रही हैं, हंस रही हैं। हाँ तो ये फिर आदमी को एक बात बताओ, इसने बोला कि कोई काम है इसकी वजह से मैं नहीं आ रही, मैं बोला ठीक है, फाइनली व्हेन आई एम आउट एंड देन आई एम सीइंग हर, जहाँ पे वो एक ठेले में गन्ने का जूस पीते हुए मस्ती कर रही है, वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ मस्ती कर रही थी, हंसी मजाक में टाइम पास कर रही है, तो मुझे तो लगेगा ना बुरा कि मेरे घर वाले इसके लिए वेट कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर हर। देखो, अब आप समझ सकते हैं, आप शो देखिए, आप उसके बाद आप समझ सकते हैं। कैसे मनाया शिविका आपने, जैसे कुछ बातचीत हो रही थी, हार वार को लेके भी कुछ तो हो रहा है, क्या है ये? जी अभी मैं हवन हो रहा था घर पे, तो इसीलिए मैं भजन के लिए आई थी ओंकार के घर पे, मेरे पिताजी ने रखवाया है कि मैं उस बहाने सबसे मिलूं, मैं मना लूं सबको और ओंकार को भी मना लूं, क्योंकि वो गुस्सा है, कल रात इन्होंने मेरी बात सुने बगैर ही फ़ोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आमने सामने इन्हें मनाऊँ। तो अभी बस वही चल रहा है, मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं इन्हें मना रही हूँ कि मेरी बात सुन लो, कि हुआ था ये कि मेरी माँ को चोट लग गई थी, अब ये तो एटलीस्ट सुन सकते थे, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं शायद गलत था, फिर पूछ रहे कि अब माँ कैसी है, अब पूछ रही है फायदा, अब तो वो ठीक है। हाँ तो ऐसा तो मेरे साथ जब ना? मुझे भी तो जरूरत थी उनकी, जब माँ को चोट लगी थी और घर पे कोई बड़ी जरूरत थी। हाँ लोगों से घिरी हुई है, खत्म नहीं होगा, हार को लेके कुछ तो हो रहा है, हार दोनों पहना रहे हैं, किसी को ये क्या तमन्ना है कि शादी करनी है तो हार पहनाना पड़ेगा उसके लिए, तो बस इनडायरेक्टली वही मोमेंट हम चुरा रहे हैं एक दूसरे के लिए। फूलों के ठेले पे हैं हम, फूल माला के ठेले पे, और माला है, और हम दोनों आमने सामने हैं, तो क्यों ना एक वो मोमेंट एक्सपीरियंस किया जाए शादी से पहले कि कैसा फील होता है। बस वो इतना सारा थॉट बिफोर डूइंग दैट मोमेंट, ऑब्वियसली देखो ये भी नहीं है इनके मन में, हे भगवान, इनिशिएटिव मैं लेता हूं, कुछ गाना या कुछ ऐसे बजने वाला है। अरे दिल के तार तो बस छिड़ते रहते हैं ऐसे मोमेंट पे, गाना तो ऐसे मोमेंट्स हम छोड़ते नहीं। हाँ तो क्या है वो गाना, क्यों बज रहा है, कौन किसको डांस करने वाला है? सी फाइनली बहुत गर्म माहौल था, बहुत तनाव का माहौल था, और ऐसे मौके पे भी ये नहीं आई, तो इवन आई वाज एंग्री विद हर कि नहीं यार क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं आए तुम टाइम पे, या जो भी है। तो फाइनली यहाँ पे जाके व्हेन शी स्टेट्स द रीज़न कि नहीं दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, मैं मतलब चलो ठीक है यार, माँ को चोट लगे, मतलब और क्या हो सकता है बुरा ऐसे, तो आई गेट कन्विंस्ड, और फिर मैं वो माला उठाता हूँ। अब क्यों उठाता हूँ वो आपको पता चलेगा,
बट फिर हम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है, जब ठीक हो जाता है तो फिर एक गाना तो बनता है तो फिर वहाँ पे वो ट्रैक आता है। तो गाना आप इनके लिए गा रही हैं, आपके लिए? हम दोनों एक दूसरे के लिए गाना गाते हैं। हम उस मोमेंट में हैं, हम गाने तो अपने आप बैकग्राउंड स्कोर में बज रहे हैं। दैट्स द इक्वेशन फिल्म। यस।